एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर 20 सर्टिफिकेट एग्जाम 2023-24 और ये मॉडल पेपर एमसीक्यू मॉडल पेपर है। एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट तीनों के काम आएगा, ठीक है। और बी और सी तो स्पेशली, और ये बी में तो पूछा गया ही है। टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 115 और मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर के साथ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट तक आप देखेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करेंगे। सेम मॉडल पेपर आने के भी 95% चांसेज होते हैं, सेम टू सेम टोटल, क्योंकि एमसीक्यू बहुत कम बार हुआ और इस बार ऑलमोस्ट एमसीक्यू होगा, इसलिए पूरा याद करना। और अपने अपने बटालियन के ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथी, आपके दोस्त सारे लोग अच्छे से याद कर लें। शेयर जरूर करना सभी लोग, ठीक है। चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, प्ले स्टोर से तेजस एनसीसीआर में आप डाउनलोड कर लेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते सारे क्वेश्चन आंसर, टोटल आंसर भी बताऊंगा। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली शाम में 7 बजे कंटिन्यू क्लास करेंगे, ए ग्रेड कन्फर्म आएगा। सारे क्वेश्चन आंसर याद करना हो, लास्ट में कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मॉडल पेपर ओरिजिनल है आपको दिख रहा, बी सर्टिफिकेट एग्जाम SDSW कॉमन सब्जेक्ट पेपर वन ड्रिल। और ध्यान दे, 2 घंटे का ही मात्र टाइम मिला, 3 घंटे सब्जेक्टिव में मिलता है बट एमसीक्यू में 2 घंटा, तो हो जाएगा काफ़ी मुश्किल अगर आप अच्छे से याद नहीं करेंगे तो। इसलिए पूरा वीडियो देखना, सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करना। 2 घंटा में 15 मिनट फॉर्म फिलअप करने में जाएगा, बचेगा आपका 1 घंटा 45 मिनट। 115 क्वेश्चन है, 160 क्वेश्चन भी पूछता है, 180 भी पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन, दाहिने सज में स्क्वाड कितने इंच कदम आगे जाता है? तो दाहिने सज में 15 इंच का कदम आगे जाता है, ऑप्शन ए होगा। मैं केवल आंसर बताऊंगा, सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम वेस्ट तेजस चैनल पे कभी नहीं होगा। तो इंग्लिश वाले, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, आप इंग्लिश में भी यहाँ से पढ़ लेंगे। सेकेंड, विश्राम स्थिति में 2 एड़ियों के बीच की दूरी क्या होती है? तो विश्राम में एडी से एडी पूछा है, तो एडी से एडी होता है 12 इंच, पंजा से पंजा होता है 18 इंच, तो यहाँ पे 12 इंच बी होगा। थर्ड, पीछे मुड़ में स्क्वाड कितना डिग्री घूमता है? पीछे मुड़ में 180 डिग्री घूमते हैं, सी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, सावधान स्थिति में दोनों पैर के अंगूठे के बीच का कोण होता है? 30 डिग्री होता है, ऑप्शन बी होगा। फिफ्थ, साइड स्टेप का लंबाई होता है, तो साइड स्टेप की लंबाई 12 इंच होती है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तेज चाल में 2 कैरेट्स के बीच की दूरी कितनी होती है? कैरेट्स के बीच की दूरी, तो 45 इंच होता है, ऑप्शन ए होगा। सारे आंसर के साथ बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना, अच्छे से याद करना और अपने अपने एनसीसी बटन के ग्रुप में शेयर जरूर करना, मैं बार बार बोल रहा, सभी लोग शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन, वर्ड ऑफ कमांड में थंब समाप्त किया जाता है, तो भैया लेफ्ट फुट पे करते हैं, सी होगा। क्वेश्चन नंबर एट, डबल मार्च में कदम की लंबाई होती है, तो डबल मार्च में कदम की लंबाई 30 इंच ही होती है, ठीक है, सी होगा। नाइन, ड्रिल के प्रमुख उद्देश्य है, तो इसमें से ड्रिल का प्रमुख उद्देश्य आपका होगा अनुशासन एवं विश्वास को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी होगा। आप लोग पॉज करके पूरा ऑप्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रिल में फाइल शब्द का मतलब क्या है? तो फाइल का मतलब होता है कैडेट एक के पीछे एक सामान्य दूरी पर प्रस्थान करने के लिए खड़े रहते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका आ गया पेपर टू वेपन ट्रेनिंग का, 35 नंबर का पूछा था। क्वेश्चन नंबर 11, 0.22 राइफल की कारगर रेंज क्या है? तो 25 गज होती है, ऑप्शन ए होगा। 12, 0.22 राइफल की लंबाई क्या है? अब इसमें हम लोग, इसमें एक ही लंबाई दिया डिलक्स का ही, वैसे भी डिलक्स का लिखते, सी होगा 43 इंच। 13, LMG के मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? तो LMG की मैगजीन क्षमता 30 राउंड होती है, ऑप्शन ए होगा। 14, राइफल को लोडेड तब समझा जाता है जब जब चेंबर में गोली रहता है, ऑप्शन ए होगा। 15, HAT मीन्स, यानी HAT जो अच्छे ने सरबाजी के सिद्धांत, मैंने आपको ट्रिक बताया है, तो HAT का मतलब होता है होल्डिंग एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन, ऑप्शन ए होगा। 16, 7.62 mm LMG का रेंज क्या है? तो इसका कारगर रेंज, ठीक है, गज में दिया, तो ध्यान दीजिए इसका मीटर में होता है 500 मीटर, तो यहाँ पे मीटर में दिया नहीं है, गज में दिया, तो 600 गज लिख देंगे, ठीक है, बी होगा, अप्रॉक्स 600 गज हो जाएगा। 17, 7.62 mm LMG का मज्जर वेलोसिटी क्या है? तो 2700 फीट प्रति सेकंड होता है, और यही SLR का भी होता है, ऑप्शन ए होगा। 18, 7.62 mm LMG के खाली मैगजीन का वजन क्या है?
एलएमजी के खाली मैगजीन का वजन पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 395.89 ग्राम। ठीक है, इस पे मारेंगे ऑप्शन है, इसमें भी थोड़ा सा मतलब कोई एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ऑप्शन ए याद करेंगे, 395.89 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 19, 7.62 mm, एलएमजी का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम कभी भी कैलिवर के साथ लिखेंगे, तो पूरा नाम 7.62 mm लाइट मशीन गन, ऑप्शन ए होगा। जहां पे डाउट होगा पूरा याद करने के बाद भी आप लाइव क्लास में पूछ लेंगे, लेकिन वीडियो पूरा देखना, सारे अच्छे से याद करना, सेम मॉडल पेपर भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको एमसीक्यू मॉडल पेपर मिलेगा ही नहीं जल्दी कहीं। 25.56 mm, इंसास राइफल के मजर वेलोसिटी कितना है? तो इंसास की मजर वेलोसिटी 900 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ऑप्शन ए होगा। 21.56, इंसास राइफल के खाली मैगजीन का वजन क्या है? तो खाली मैगजीन का वजन पूछा है, लेकिन ऑप्शन में दिया है वेट ऑफ इंसास विथ इम्प्टी मैगजीन, इंग्लिश में पूछा है, हिंदी में मिस्टेक कर दिया, क्वेश्चन ध्यान देंगे। तो खाली मैगजीन के साथ होता है 3.69 kg, ऑप्शन ए होगा। 22, तो जहां हिंदी में क्वेश्चन समझना है इंग्लिश में देख लेना। 22, 5.56 mm, इंसास राइफल के भारी मैगजीन का वजन क्या है? तो ऑप्शन में तो कोई दिया नहीं है, तो इसमें से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट, मिसलेनियस द एनसीसी 23, एनसीसी कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कौन थे? कर्नल जीजी बेगूर थे, ऑप्शन ए होगा। 24, राष्ट्रीय कैडेट कोर के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, नेशनल इंटीग्रेशन 30 मार्क्स। 25, बुद्धिज्म की स्थापना की गई थी? तो गौतम बुद्ध ने किया था, बी होगा। 26, राष्ट्रीय एकता का अर्थ है भावना जो देश के नागरिक के बीच होता है, तो करेक्ट आंसर इसमें से आपका हो जाएगा एकता के साथ मिलकर रहना, ऑप्शन ए। 27, स्वतंत्रता के पूर्व भारत के प्रमुख नेता थे? तो आजादी के बाद भारत के प्रमुख नेता चंद्रशेखर आजाद थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पूर्व पूछा मतलब पहले आजादी से। 28, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है 28 सितंबर होगा, ऑप्शन ए होगा, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। 29, लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के खाली स्थान प्रधानमंत्री थे, मतलब कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये द्वितीय थे, बी होगा। 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी, ऑप्शन बी होगा। 31, भारत के लौह पुरुष थे? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ पटेल को जानते हैं, ऑप्शन सी होगा। वीडियो पूरा देखना, सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कीजिएगा, और वीडियो का लिंक अपने ग्रुप में एनसीसी ग्रुप में जरूर शेयर कर देना सभी लोग याद से पूरा देखने के बाद, और याद कीजिएगा। 32, भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं? तो पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, तो डी होगा, इनमें सभी। 33, भूटान की राजधानी थिम्पू है, बी होगा। 34, युवा देश के खाली स्थान होते हैं? तो युवा देश के रीढ़ होते हैं, ठीक है, बैकबोन, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप 65 मार्क्स का। अब यहाँ ध्यान दे, पेपर तो है भैया एमसीक्यू, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ दिया, ट्रू फॉल्स भी और फिल इन द ब्लैंक्स भी, तो ऐसे में बंदे फंस जाते हैं, बट मैं आपको सारे आंसर बताऊंगा। 35, सही गलत लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, सचेतता एवं सहिष्णुता नेतृत्व के गुण नहीं है, तो ये गलत होगा, ये फॉल्स है, ये गुण है। बी, ड्रिल कैरेटों के व्यक्तित्व विकास में सहायता करते हैं, ये ट्रू होगा, सही है। सी, जो जीत में लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्रभावित करते हैं उसे नेता कहते हैं, ये भी सही है। डी, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना सच्चाई है, तो ये सच्चाई है। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट बनाया, नेगेटिव करके दे दिया पॉजिटिव, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी के गुण के कारण उसके प्रति प्रशंसा की भावना उत्पन्न होना आदर कहलाता है, तो ये भी ट्रू है, सही होगा। 36, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, किसी व्यक्ति का चरित्र उसके जीवन के खाली स्थान वर्षों में ही शुरू हो जाता है, तो इसमें होगा प्राइमरी यानी आरंभिक, ठीक है।
इसमें हो जाएगा प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर बी, अधिकृत व्यक्ति द्वारा पारित सही आदेश का पालन करना क्या कहलाता है? तो ये अनुशासन है, डिसिप्लिन कहलाता है। देख रहे क्वेश्चन का लेवल। क्वेश्चन नंबर सी, तथ्यों विकल्प और दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा भावनाओं का दान प्रदान क्या कहलाता है? तो ये संचार कहलाता है, संचार यानी कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर डी, अनुशासन हमेशा खाली स्थान एवं खाली स्थान सिखाता है। तो अनुशासन हमेशा एकता और नेतृत्व सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, जब राष्ट्रगान हो तो एनसीसी कैडेट खाली स्थान अवस्था में खड़े होंगे और सैल्यूट नहीं करेंगे। तो एनसीसी कैडेट सैल्यूट नहीं करते हैं। आंसर भी यहाँ पे मिस्टेक से दे दिया, सावधान में खड़े होते, ठीक है। एनसीसी कैडेट सैल्यूट नहीं करते राष्ट्रगान टाइम में, इस पर हम लोग को कन्फ्यूजन था, अभी आपको ओरिजिनल पेपर में मिल गया तो याद रखेंगे, सैल्यूट नहीं दिया जाता। नेक्स्ट 37, नेतृत्व के प्रकार हैं ऑटोक्रेटिक, ये भी है, डेमोक्रेटिक, ये भी है, लेजिस्फियर, ये भी है, तो डी होगा ऑल ऑफ दिस। 38, नेता के गुण हैं, ये भी है दोनों, ये भी दोनों हैं, ये भी हैं, तो डी होगा इनमें से सभी। 39, नेता में तुरंत खाली स्थान लेने की क्षमता होनी चाहिए, तो निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, डिसीजन, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे है, देख रहे हैं सीरियल नंबर यहाँ दे दिया, तो ध्यान देना है, 41 में नहीं आ जाना, एक छूट जाएगा। नेता का दिमाग हमेशा खाली स्थान होना चाहिए, तो जागृत होना चाहिए, अलर्ट, ऑप्शन ए होगा। 41, नेता को इनमें से होना चाहिए, तो नेता को व्यवहार कुशल होना चाहिए, टैक्टफुल, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे, टोटल 115 क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। 42, खाली स्थान को सबसे ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक प्राकृतिक संकट माना जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका भूकंप, ऑप्शन बी। 43, प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी है, चक्रवात भी है, बाढ़ भी है, तो डी होगा ऑल ऑफ दिस। 44, सुनामी लहरों का वेग प्रति किलोमीटर घंटा है। अब ये ध्यान दें, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया, सुनामी लहरों का वेग पूछा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। गूगल पे भी सर्च करने पे 75 आंसर आते हैं, तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद ये आया, आप लोग अभी यही याद करेंगे। 45, मानवकृत आपदाएं हैं, तो मानवकृत युद्ध, बम विस्फोट, ये है, तो क्या होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46, HAM क्या है? HAM रेडियो सेट को बोलते हैं, ख होगा। नेक्स्ट टॉपिक सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, 30 मार्क्स के। 47 नंबर, सामाजिक सेवा क्रियाकलाप में हम शामिल करते हैं, तो रक्तदान को करते हैं, ऑप्शन ए होगा। 48, रक्तदान किया जाता है स्वस्थ एडल्ट पुरुष महिलाओं द्वारा, ऑप्शन बी होगा। अच्छे से याद कीजिएगा सारे और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। 49, रक्त समूह है AB एंड O, ये ब्लड ग्रुप है, ऑप्शन ए होगा। 50, नशाखोरी जागरूकता क्रियाकलाप है, तो नशाखोरी जागरूकता क्रियाकलाप, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, तो 50 का हो जाएगा सामाजिक सेवा क्रियाकलाप है, ऑप्शन बी। 51, दहेज प्रथा के विरुद्ध अधिनियम कब बनाया गया? तो दहेज प्रथा के विरुद्ध अधिनियम 1961 में, ऑप्शन बी होगा। 52, एनजीओ से आप क्या समझते हैं? तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी होगा। 53, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, तो ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी है, ऑप्शन ए होगा, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 54, एनसीसी कैडेट द्वारा सामाजिक सेवा के अंतर्गत स्वास्थ्य और पारिवारिक सुरक्षा हेतु किस क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा एड्स और परिवार नियोजन, ऑप्शन ए होगा। 55, कैंसर होने का कारण है, गुटखा के प्रयोग से भी होता है, सिगरेट से भी होता है, वायुमंडलीय प्रदूषण से भी होता है, तो डी होगा इनमें से सभी। 56, महिला एवं विकास कार्यक्रम एवं बाल विकास कार्यक्रम है, तो ये होगा गैर सरकारी संस्था, बी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन, जिससे 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे,
फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 205, 206, 207, 208। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। तो 206 हड्डी होती है, ऑप्शन बी होगा, 58। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है, ऑप्शन क होगा, 59। शुद्ध रक्त को वहन करता है या हार्ट से पूरे शरीर में ले जाता है, उसको धमनी बोलते हैं, यानी आर्टरीज, ऑप्शन क होगा, 60। खाली स्थान जीने का मुख्य घटक है, तो ऑक्सीजन जीने का मुख्य घटक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ख। 61। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए कितना देर सोना चाहिए? 6 से 8 घंटे, ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 7 से 8 घंटा दिया है, तो इसी पे मारेंगे, होता है 6 से 8 घंटा, ठीक क होगा। 62। ट्यूबरकुलोसिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह हमारे फेफड़ा यानी लंग्स को प्रभावित करता है, ऑप्शन क होगा। 63। प्लेग का कारण है, ये चूहा पिस्सू वाला रोग है, क होगा। नेक्स्ट 64। सतही जल प्रदूषित होती है, जानवरों के नहाने से भी होता है, कल कारखानों की गंदगी से भी होता है, कपड़ा धोने से भी होता है, तो डी होगा, इनमें से सभी घ। 65। जानवरों से होने वाली बीमारियां हैं, रेबीज, प्लेग, एंथ्रेक्स तीनों हैं, तो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट टॉपिक है एडवेंचर एक्टिविटी, 15 नंबर का। 66। साहसिक प्रशिक्षण के उद्देश्य हैं, तो साहसिक प्रशिक्षण का उद्देश्य होगा प्रतिजागृति पैदा करना, ये भी है, आत्मविश्वास भी है, नेतृत्व गुणों का विकास भी है, तो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। 67। रॉक क्लाइंबिंग शिल्डरिंग एक खाली स्थान प्रशिक्षण है, तो ये एक एरियल प्रशिक्षण है, बी होगा, जो रसिक द्वारा करते हैं। 68। ट्रैकिंग कैंप में इसमें पैदल चलना होता है, सी होगा, और कौन कौन ट्रैकिंग कैंप किए हैं कमेंट में जरूर करेंगे, और किस जगह पे किए थे। नेक्स्ट 69। साहसिक प्रशिक्षण में शामिल है माउंटेनिंग एक्सपेडिशन, ये भी है, पैराजंप भी है, वाटर राफ्टिंग भी है, तो डी होगा, इनमें सभी। नेक्स्ट 70। पर्वतारोहण हेतु संस्थाएं हैं, HMI दार्जिलिंग भी है, NMI उत्तरकाशी भी है, AMS मनाली भी है, जो हिमाचल प्रदेश में, तो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, 10 नंबर का। 71। सोलर सिस्टम में खाली स्थान ही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध है, तो पृथ्वी है, अर्थ जहाँ हम लोग हैं, कह होगा। 72। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव एवं उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इकोलॉजी, ऑप्शन ग होगा। 73। इकोलॉजी के पारितंत्र संरचनात्मक घटक हैं, इसका ऑप्शन आपको नीचे दिया है, नीचे दिया, ठीक है, यहाँ पे, तो इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर अजैव घटक और जैव घटक दोनों होगा, ठीक है, तो ऑप्शन घ होगा, ए एंड बी बोथ, क्वेश्चन आप लोग देख लो, नीचे ऑप्शन है, ठीक है, तो घ होगा, ए और बी, यानी अजैव घटक और जैव दोनों होता है। नेक्स्ट 74। पारिस्थितिकी के कारक हैं, तो पारिस्थितिकी के कारक जलवायु भी है, मृदीय भी है, स्थलाकृति भी है, तो घ होगा, इनमें सभी। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, 5 नंबर का। 75। ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधाएं रहती है? 10 बाधाएं, ऑप्शन ए होगा। 76। एक ऑब्स्टिकल से दूसरी ऑब्स्टिकल के बीच सामान्यतः कितनी दूरी रहती है? तो लगभग 30 फुट, बी होगा। नेक्स्ट पेपर 4 है आर्म्ड फोर्सेज, सारे क्वेश्चन ऐसे से याद करना, ठीक है, 115 टोटल क्वेश्चन है, और अपने अपने बटालियन ग्रुप में जरूर शेयर कर देंगे इस वीडियो को, ताकि सभी लोग अच्छे से याद कर लें, और चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास करेंगे। PDF आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में, तो PDF के लिए थोड़ा वेट करें। 77। M&C ब्रांच होता है, तो ये मिसलेनियस होता है, ऑप्शन डी होगा। 78। ASC क्या होता है? तो आर्मी सर्विस कोर होता है, ऑप्शन ए होगा, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। 79। सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 10 जवान, ऑप्शन ए होगा। 80। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक मिसाइल है, ऑप्शन ए होगा। 81। युद्ध सेवा पदक कब शुरू किया गया? तो युद्ध सेवा पदक ये
सर्च करने पर देता है 1980, ठीक है, तो 1980 इसमें है नहीं, तो आप लोग 1980 याद रखेंगे, ठीक है, ध्यान दें 82। वैसे आप एक बार इसको सर्च कर लेना, 82 में है फील्ड मार्शल के समतुल्य नौसेना और वायुसेना के रैंक क्या है, मतलब नेवी और एयरफोर्स दोनों का पूछा है, तो फील्ड मार्शल के इक्वल होगा एडमिरल ऑफ द फ्लीट नेवी का और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एयरफोर्स का, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, किस युद्ध में विजयंत टैंक का इस्तेमाल किया गया, तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1900 कितने में, 71 में किया गया था, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैप रीडिंग 25 मार्क्स का। 84, मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो पानी ब्लू होता है तो यहाँ पे ब्लू दिया है, सी होगा। 85, एलजी का अर्थ मतलब फुल फॉर्म इसका होता है लैंडिंग ग्राउंड, सी होगा, स्पेलिंग याद करना फुल फॉर्म का स्पेलिंग। 86, बड़ी दोहरी रेलवे लाइन के लिए किस सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसमें शायद ये होता है, ठीक है, तीनों ऑप्शन एक ही जैसा दे दिया, तो इसमें बड़ी दोहरी लाइन बस ऐसे हो जाता है, ए होगा। नेक्स्ट 87, बॉक्स सी एच चिन्ह मीन्स, मतलब इस तरह से बॉक्स है बगल में सी एच लिखा है, आपको पढ़ा दिया हूँ, इस चिन्ह का अर्थ होता है सर्किट हाउस, ऑप्शन बी होगा। 88, मानचित्र में आर एफ का अर्थ क्या होता है, आर एफ का मतलब फुल फॉर्म रिजर्व फॉरेस्ट होता है, सी होगा। 89, यहाँ पे साइन छोड़ दिया, यहाँ पे इस तरह से सिंबल है, ठीक है, साइन, इस चिन्ह का अर्थ क्या है, तो बिजली का तार होता है, ऑप्शन ए होगा। 90, ट्रिपल एक्स साइन का मतलब क्या होता है, तो इसका होता है कोर, ऑप्शन सी होगा। 91, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है, तो प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम होता है आपका लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, बी में है क्या, ऑप्शन बी में है, ठीक है, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, बी होगा। 92, नॉर्थ यानी उत्तर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार, टीएन एमएन जीएन, तो ऑप्शन बी होगा, तीन प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, 25 नंबर का पूछा था। 93, आड़ के प्रकार है, तो नजरी आड़ भी होता है, फायर से आड़ भी होता है, ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। 94, चीज़ें कैसे दिखाई पड़ती है, आकार, चमक, छाया, सतह, फासला, तिमिर चित्र और हरकत, इस सारे की वजह से चीज़ें दिखाई देती हैं, डी होगा ऑल ऑफ दीज, यानी 6S और 1M के सही से इस्तेमाल नहीं करने से चीज़ें दिखाई देती है, जिसका 6S का मीनिंग और 1M का मीनिंग ये है। 95, दूरी का अंदाज़ा लगाने का तरीका क्या है, इकाई का तरीका भी है, दिखाई का तरीका भी है, मतलब ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन डी। 96 का होगा आपका, 300 गज की दूरी पर तस्वीर किस तरह से दिखती है, 300 गज पर तस्वीर धुंधला दिखाई पड़ता है, ठीक है, बट इसमें थोड़ा डाउट है, 300 गज पर, ठीक है, अभी आप लोग धुंधला याद रखना और आप लोग अपने अपने पी आई एस सर से पूछ लेंगे कि सर 300 गज पे कैसा दिखाई देता है, अभी आप लोग बी याद रखें, धुंधला। नेक्स्ट 97, आगे बढ़ में क्या सिग्नल दिया जाता है, तो आगे बढ़ में सिग्नल होता है दाहिना बाजू को पूरा फैलाकर कंधे के नीचे पीछे से आगे को हिलाएं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, प्लाटून फॉर्मेशन, वन ऑफ फॉर्मेशन, टू ऑफ फॉर्मेशन, थ्री ऑफ फॉर्मेशन, तो डी होगा ऑल ऑफ दीजिए, तीनों ही प्लाटून फॉर्मेशन का प्रकार है, तीन प्रकार होता है, ए बी सी। 99, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, ये सेक्शन फॉर्मेशन ऑप्शन में गलत है सारे, ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पे 6 होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार होता है, डी होगा। 100, फायर की किस्में क्या हैं, तो फायर की किस्में आपका इसमें से ऑल ऑफ दीज लिखेंगे, वैसे फायर दो प्रकार का होता है, ठीक, मतलब फायर ऑर्डर जो पूछता है, सकेंद्रित फायर, फैला हुआ फायर, फायर का क्षेत्र, इसमें डी लिखिएगा, क्योंकि बुक में ये भी दे दिया है, ये तो वैसे जनरली दो ही होता है, आप लोग डी लिखना, ठीक है, ऑल ऑफ दीज तीनों। 101 नंबर, फायर नियंत्रण आदेश बोलने का क्रम है,
ग्रिड से याद रखते हैं, बी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। ये क्वेश्चन भी आप लोग अपने पीआई स्टाफ से एक बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको डाउट में नहीं रख सकता, या फिर झूठ मूठ का नहीं बता दूंगा कि हाँ कन्फर्म है 100%। जो डाउट है सो डाउट है, बट सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, तो सारे याद करना, 115 क्वेश्चन है, एक बार बनाया तो बार बार याद कर लेना, ठीक है, और अपने ग्रुप में भेज देना। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स 102, फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है। फायर करते समय टारगेट चार भागों में, ऑप्शन क होगा। 103, प्लाटून हेडक्वार्टर कोथ में कौन सा मोटर होता है, इसका ऑप्शन आपको नीचे दिखेगा। तो प्लाटून हेडक्वार्टर के कोथ में 51 इंच मोटर होता है, ठीक है, 51 इंच मोटर, ऑप्शन क होगा, इधर ऑप्शन है 51 इंच मोटर, पढ़ा दिया हूँ लाइव में। नेक्स्ट 104, 9 mm कार्बाइन के मैगजीन में कितने राउंड। इसमें इसका कोई भी मैगजीन कैपेसिटी नहीं है, मिस्टेक होगा, 32 से 34 राउंड्स होते हैं कार्बाइन मशीन गन का, तो याद रखेंगे, ठीक है। 105, और जब एग्जाम में इस तरह से आपको आंसर नहीं दिखता है तो हाथ खड़ा करना है, और फिर सीओ साहब या फिर पीआई स्टाफ आपके बोलेंगे हाँ बोलो क्या दिक्कत है, फिर उनको बताना कि सर इसमें डाउट है, ठीक है, इसका क्लियर कर दो आप। 105, अस्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना होता है। तो अस्टेन गन का अधिकतम रेंज 100 गज होता है, क होगा। 106, एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी अस्टेन गन होती है। दो अस्टेन गन होती है, ऑप्शन क होगा। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री 15 नंबर का। 107, महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे। तो महाराणा प्रताप राजा उदय सिंह के पुत्र थे, ये होगा। 108, छत्रपति शिवाजी ने सबसे पहले किस वर्ष की उम्र में किला जीता था। तो इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में किला जीता था, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, फील्ड मार्शल का पद सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था। तो जनरल SFJ मानेकशॉ को, जिनको हम लोग सैम मानेकशॉ बोलते हैं, जनरल सैम मानेकशॉ, सी होगा। 110, परमवीर चक्र से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, डी होगा। 111, अंग्रेज राजदूत हॉकिंस को व्यापार करने की छूट किस बादशाह ने दी। तो इसको छूट जहांगीर ने दिया था, ऑप्शन सी होगा। देख रहे हिस्ट्री का क्वेश्चन, कितना डीप हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ दिया एनसीसी में, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करना, ठीक है, बाकी शाम में 7 बजे लाइव क्लास कंटिन्यू। लास्ट है कम्युनिकेशन टॉपिक का 10 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 112, संचार के दो प्रकार हैं, तो लाइन कम्युनिकेशन और रेडियो कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए होगा। 113, संचार प्रक्रिया का मुख्य तत्व, मतलब किनके बिना संचार पॉसिबल नहीं है। संचार स्रोत यानी सेंडर, ये सेंडर है सोर्स, कुछ मैसेज होना चाहिए संदेश, और मीडियम होना चाहिए किस प्रकार से भेजता है, ठीक है, और रिसीवर होना चाहिए, तो संचार माध्यम और प्राप्तकर्ता, तो डी होगा, ऑल ऑफ दीज, ये चार है मुख्य तत्व। 114, संचार का मुख्य साधन है, संचार का मुख्य साधन नेट रेडियो भी है, लाइन कम्युनिकेशन भी है, और फैक्स भी है, तो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। 115, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना तकनीक का नया साधन नहीं है। तो टेलीफोन सबसे पुराना है, लैंडलाइन, तो डी होगा। अब 115 में से आपको कितने क्वेश्चन पहले से याद हैं, अभी आप अगर ये मॉडल पेपर का आपका टेस्ट होगा सेम आ गया, तो अभी आप कितना स्कोर करोगे कमेंट करके बताना। शाम में डेली 7 बजे लाइव क्लास होती है, टाइम से करेंगे, और इस वीडियो का लिंक सभी लोग, आप सेल्फिश नहीं बनेंगे, सभी लोग अपने अपने NCC बटालियन के ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देंगे, ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ लें। शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है, चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ए ग्रेड कन्फर्म आएगा। तो मिलते हैं, और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक, PDF 2-3 दिन में आ जाएगा जिनको लेना है, अभी बुक और PDF अभी कहीं से नहीं लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।